गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। अगर आप करते हैं पेटीएम का फास्टैग यूज तो ये वीडियो बस आपके लिए है, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ तीन ऐसी चीजें जो आपको 29 फेब से पहले कर लेनी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 29 फेब के बाद हो जाएगा पेटीएम फास्टैग बंद। तो ठीक है, तो आपको बताता हूँ वो तीनों चीजें जो आपको सबसे पहले कर लेनी चाहिए। सबसे पहली बात, पेटीएम में अगर आपका कोई भी बैलेंस अगर बच जाता है, चाहे वो 100 रुपए हो, 200 रुपए हो, चाहे कितना भी, तो आप तब तक वो यूज़ कर सकते हैं जब तक वो बैलेंस खत्म नहीं हो जाता। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका 29 फेब के बाद कुछ बैलेंस था आप उसे यूज़ नहीं कर सकते, आप 100% यूज़ कर सकते हो। सेकंड मेन बात, अगर आपको पैसे चाहिए वापस जितने भी आपके उसमें बैलेंस है, तो आप पेटीएम ऐप के थ्रू फास्टैग को डीएक्टिवेट करा सकते हैं। साथ में मैं आपको दिखा देता हूँ सारे स्टेप जिसके थ्रू आप करेंगे अपने कार्ड को डीएक्टिवेट और पैसे ले लेंगे अपने सारे बैंक अकाउंट में। सो गाइस, सबसे पहले सर्च बार में जाके आपको ढूंढ लेनी है पेटीएम ऐप। पेटीएम ऐप में ऊपर सर्च ऑप्शन है, वहाँ लिखना है फास्टैग। तो नीचे मैनेज फास्टैग आ रहा है, उसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको दिखाने लग जाएगा ये सबसे ऊपर आ रहा है, देखो हेल्प बटन। हेल्प बटन में करना है क्लिक। उसके बाद जाना है नीचे जो सबसे चैट विद अस ऑप्शन आ रहा है, फिर आपका इस तरीके से खुलेगा। मैंने इनसे कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि मुझे कौन सा फास्टैग बंद करना है, क्योंकि दो फास्टैग चल रहे हैं। नीचे जैसे आप बताएंगे आपको ये बता देगा कि आपका कौन से वाले के लिए आप बंद करना चाह रहे हैं। लास्ट में ऑप्शन आ जाएगा क्लोज फास्टैग का, बस उसे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपसे फिर से पूछेगा आप कौन सी गाड़ी के लिए करना चाहते हो, फिर ये आ जाएंगे कुछ ऑप्शन। तो इसमें आप सेकंड लास्ट वाला जो आई एम स्विचिंग टू सम अदर बैंक फास्टैग है उसे क्लिक कर देना, फिर कर देना प्रोसीड। फिर आपसे ये दो क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ आपको करना है क्लोज फास्टैग पे क्लिक और सारा रिफंडेबल अमाउंट 5 से 7 डेज में आपके पास वापस। मेन तीसरी बात है जो आप करा सकते हो अपने पेटीएम फास्टैग को पोर्ट, और वो कैसे कराना है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है यार। मैं नहीं मानता। आप जिस भी बैंक के थ्रू आप अपने पेटीएम फास्टैग को पोर्ट कराना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, उनके कस्टमर केयर पे फोन करना है और अपने प्रोसेस को इनिशिएट करना है। मुश्किल से एक हफ्ते में आपका सारा पोर्ट हो जाएगा। और हाँ, उससे पहले और ये याद रखना, आपको ना फिर जो आपका पेटीएम फास्टैग अभी आपके गाड़ी में लगा हुआ है तो वैसे ही चलता रहेगा, बस आपका सारी चीज़ें उस पर्टिकुलर बैंक पर शिफ्ट हो जाएंगी। जैसे हम सिम पोर्ट करते हैं ना, अब हम ये भी कर सकते हैं। देख रहे हो कितना ईजी कर दिया है पेटीएम के लिए, पेटीएम ग्राहकों के लिए। अगर आप रिसेंटली अपने ऐप में जाएं और आप चाहें पेटीएम ऐप पे जाकर हम नया फास्टैग परचेस करना चाहें, तो पहले तो क्या होता था, आपको पेटीएम पेमेंट बैंक का पूरा एक चिट्ठा खुल जाता था, फिर वहां के थ्रू आप अपना पेटीएम फास्टैग खरीदते थे। लेकिन अगर आप इस समय जाओगे तो आप वहां पे लिखा है बाय अ न्यू HDFC फास्टैग। तो बेसिकली आपका जो पेटीएम है अब आपको ये HDFC फास्टैग प्रोवाइड कर रहा है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ से भी खरीद सकते हैं। तो बेसिकली यही थी मेन तीन चीज़ें। और अगर आपको सच्ची में इन तीनों में से कुछ पता नहीं था, तो देखो भाई को आप थैंक यू कह सकते हो कमेंट में, और लाइक कर सकते हो इस वीडियो को अगर पसंद आए, और सब्सक्राइब कर लो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो। तो चलो मिलते हैं ऐसी वीडियोस में, और ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। और कुछ भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन भर दो यार। ठीक है गाइस, बाय बाय, सी यू, टाटा, हैव अ नाइस डे।